हाँ जी हेलो बच्चों, आप एनालॉजी का पार्ट जेड़ा हैगा टू लेके आ गए हैं जी। तो पास पहला पार्ट तुसी देख लिया होएगा और इंजॉय कर रहे होगे। तो पास एनालॉजी, एनालॉजी मैंने की क्या सी थोनू समरूपता क्या सी थोनू इन्ना क्या सी कि अनेक टाइप्स हैं दिया तो पास, बट तुसी फोकस करना टाइप ते। सिंपल जी गल है, छोटी क्लास चो तो स्कॉलरशिप लेना है, बड़ी क्लास हो तो जॉब लेनी है, बस एक चीज ठीक है जी। तो मतलब बस वो मगर पै जाना थोड़े को, पहचाना सिरे ते है वो मेरी गारंटी है थोड़े को ठीक है जी। पैरेलली मैथ शुरू करांगे ते एनटीएससी दी शीटां जिहड़ियां ऑफिशियल ने वो सॉल्व करांगे ठीक है जी। बट तुसी करना हैगा थोड़े पास एक कमिटमेंट बना लो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता ब्लेंड, ब्लेंड इज रिलेटेड टू मिक्स ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, नाले क्वेश्चन कर देने हैं ठीक है। अबॉर्ड ठीक है जी, थोड़े को जिहड़ा हैगा है डवेलिंग ठीक है। सो डवेलिंग हुंदा है रहण दा स्थान ठीक है। ब्लेंड मैंने भी मिक्स करना हुंदा है, ब्लेंड मैंने मिक्स करना ही हुंदा है, तो ये सेम मीनिंग दे रहे हैं ठीक है। अबॉर्ड मैंने हुंदा थोड़ा किथे रहण दा स्थान, डवेलिंग मैंने भी रहण दा स्थान हुंदा। सो मतलब जे ब्लेंड दा मिक्स है तो अबॉर्ड दा डवेलिंग होएगा तुहाडे कोल। सो अल्टीमेटली तुहाडे पास तुहानू इंग्लिश भी ठीक ठाक आनी चाहिए। ये रिलेशन नू आपां कहिंदे आ साइनोनियम ठीक है जी। साइनोनियम का मतलब होंगे थोड़े को सिनोनियम कह लो, चाहे SYNONYM। सो जो स्पेलिंग मैं बोल के लिखता तो सही होंगे, नहीं गड़बड़ हो जाती है। सो सिनोनियम्स मैंने होंगे सेम मीनिंग ठीक है, सेम मीनिंग लिखता मैं सेम मीनिंग। सो इदा यदा मतलब है कि सेम मीनिंग का उल्टा भी तो आ सकता है थोड़े को ठीक है जी। सो जो है थोड़े को अगर आप कही थोड़े को ठीक है, तो लेंड बोरो ठीक है। सो जेड़ा हैगा तुहाडे पास ते डीप, डीप ते अगे डैश लिख दिया, तो डैश आपां भरदे आ। सो लैंड बोरो ठीक है, बोरो मैंने उधार मंगना हुंदा, लैंड मैंने देना हुंदा तुहाडे कोल, डीप मैंने डूंगा हुंदा। ये उल्ट ने एक दूजे तो, सो उलट, जे ये उलट ने, उलट वाले रिलेशन नूं आपां कहिंदे आ एंटोनियम, ANT एंटोनियम ठीक है, ONYM ठीक है। सो ONYM, सो एंटोनियम हैगा जी तुहाडे पास ठीक है। सिनोनियम एंटोनियम दी इंपॉर्टेंट लिस्ट तुहाडे नाल शेयर कर दूंगा। सो लैंड बोरो हो गया, तो डीप, डीप मैंने डूंगा हुंदा, सो डूंगा, शैलो, सो शैलो मैंने हुंदा तुहाडे पास जिहड़ा डूंगा ना होवे तुहाडे को ठीक है जी। सो एक एंटोनियम सिनोनियम वाला रिलेशनशिप भी हो सकता हैगा। इत्थे लिखो एस्ट्रोलॉजी, ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कादे नाल रिलेटेड है, फ्यूचर ना ठीक है। तो तुहानू करता नेफरोलॉजी, NEPHROLOGY। हुण एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ज्योतिष विद्या है, वो थोड़ा भविख दसदी है ना, भविख। सो ज्योतिष विद्या तुहाडा भविख, तो नेफरोलॉजी भी साइंस है, ये साइंस है एक, एस्ट्रोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है तुहाडे पास ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भविख दसदी है थोड़ा, तो फिर नेफरोलॉजी की दसदी है, नेफरोलॉजी तुहाडी किडनिया के हालात दसदी है। सो जिहड़ी साइंस तुहाडी किडनी नाल रिलेटड हैगा, जीके दे विच SSC च बहुत बार क्वेश्चन आया, जिहड़ी साइंस तुहाडी किडनी नाल रिलेट करदी है ठीक है, तो वह नेफरोलॉजी होएगी। तो जिहड़ी जिहड़ा डाक्टर होएगा तुहाडे पास ठीक है जी, तुहाडे पास नेफरोलॉजी जिहड़ी हैगी है, तुहाडे कोल नेफरोलॉजिस्ट होएगा, वह किडनियां का डाक्टर होएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना तुहाडे पास ठीक है जी। तो जे हुण अगे देखिए तुहाडे पास ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इहदा मतलब आगे साइंस आ जाए पिछे उहदे रिलेशन आ जाए कि तुहाडे कोल जिहड़ा साइंस किस नाल रिलेटड है, तो सबजैक्ट रिलेटड रिलेशन उदा की है। सो इदां दी ऑप्शन भी हो सकदी, एंटोनियम सिनोनियम ठीक है, एस्ट्रोलॉजी साइंस। अगे आपां कुछ पढ़ भी चुके हैं, जे मैं थोनू कह दां काओ, काओ, काओ इज रिलेटेड टू काफ, काओ मैंने हुंदा गां, काफ मैंने हुंदा बछड़ा, बच्छा भी कह दिंदे पंजाबी तां ठीक है। तो सेम वे लॉइन इज रिलेटेड टू, लॉइन दे बच्चे नू की कहंदे ने जी, लॉइन दे बच्चे नू कब कहंदे ने, सो लॉइन इज रिलेटेड टू कब, इत्थे उहदा पेरेंट आ गया, इत्थे उहदा बच्चा आ गया तुहाडे कोल ठीक है जी। तो इहदा मतलब ए वाली ऑप्शन भी हो सकती है तुहाडे कोल ठीक है। सो सिर्फ ऑप्शनस दिमाग दे विच बिठाओ, दो तीन लैक्चर्स अगर ऑप्शनस दिमाग च बैठ गया तुसीं चक दोगे फटे, क्वेश्चन कुछ नहीं हैगा तुहाडे पास। फैब्रिक, FABRIC, फैब्रिक, फैब्रिक तुहाडे कोल यार्न ठीक है जी। फैब्रिक जिहड़ा हैगा यार्न है, तो पेपर की हैगा तुहाडे पास, पेपर अगे डैश पा दित्ती अगे। सो फैब्रिक,
ठीक है जी। फैब्रिक जेड़ा है यार्न तो बनता है, इधर मतलब यार्न की है, यार्न थोड़ा रॉ मटेरियल है, मतलब यार्न तो फैब्रिक बनता है, ठीक है जी। फैब्रिक थोड़ा कपड़ा है, ठीक है। तो इसे तरह तो आपके पास जेड़ा है पेपर है, पेपर पल्प तो बनता है, ठीक है जी। प्लांट्स दी पल्प तो गुद्दे तो पेपर बनता है, तो इधर मतलब पेपर जेड़ा है प्लांट तो बनता है। ए वाली एक ऑप्शन भी साड़ी आ गई थोड़े को, ठीक है जी। तो यदा मतलब है तो ये भी पता लग गया थोड़े को भी जेड़ा है थोड़े को। तो इस तरह जेड़ा है थोड़े पास कई बार फिर जिमें साइंस वाला ही क्वेश्चन पूछ लिया आप, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजी है हार्ट ना रिलेटेड है, तो उन्हें पूछ लिया जूलॉजी, ठीक है। सो जेडी जूलॉजी हैगी है तो पास वो कादे ना रिलेटेड है, जू आ गया ना जू, ठीक है। जू आ गया तो समझ लो एनिमल्स हैगा तो पास, तो इतना मतलब हैगा तो पास ये एनिमल्स ना रिलेटेड हैगा तो को। सो कार्डियोलॉजी जे हार्ट ना रिलेटेड है तो जूलॉजी, ठीक है। तो ये हैगी है थोड़े पास, ठीक है जी। सो ये चीज़ बड़े आराम ना हूँ जे आप कहिए अगला वाला थोड़े तो पूछना मैं थोड़े को, ठीक है। जे आप कह दिए थोड़े को सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर इज रिलेटेड टू गन, ठीक है। तो शेफ इज रिलेटेड टू, हूँ सोल्जर हूँ जो हूँ सिपाही, फौजी, फौजी का हथियार गन है, फौजी का हथियार गन है, ठीक है। माने फौजी दा गन टूल है, टूल मैंने थोड़ा हथियार है, मतलब थोड़ा जो यूज होता है थोड़ा जेड़ा हैगा है वो टूल हैगा थोड़े को, ठीक है जी। सो जे टूल हैगा थोड़े पास फौजी दा, ठीक है। तो फिर शेफ, शेफ दा जेड़ा टूल हुंदा है, ठीक है जी। तो शेफ दा टूल की होएगा बेसिकली, शेफ यूज करदा नाइफ, नाइफ मैंने चाकू, शेफ हुंदा थोड़ा बवर्ची, ठीक है। जेड़ा बनांदा हैगा थोड़े पास वो हो गया थोड़े को, ठीक है जी। सो जेड़ा हैगा थोड़े पास इसे तरह थोड़ा जे आप देखिए जिवें NTSC लेवल है, थोनू थोड़ी जी टर्मिनोलॉजी 9वीं 10वीं वाले पता होगी। रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू ओहम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू होम, ओहम ता पावर इज रिलेटेड टू, हुण जिहड़ी रेजिस्टेंस है ये क्वांटिटी है, ओहम इहदा यूनिट है, ठीक है। एक पासे तुहानू क्वांटिटी दे दित्ती, दूसरे पासे उहदा यूनिट दे दित्ता, तां फिर पावर दा यूनिट की है, पावर दा यूनिट वाट है। सो पावर इज रिलेटेड टू वाट, सो इहदा मतलब है कि रेजिस्टेंस दा यूनिट। सो 8वीं वाले लई रेजिस्टेंस नहीं आंदा हैगा, ठीक है। चलो बट जेड़ा हैगा क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास ओह वाला आपां क्वेश्चन ही बनाना हैगा तुहाडे को, ठीक है जी। सो अगर आपां कहीए तुहाडे पास माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जेड़ा है वो किसी चीज़ की आवाज़ नू उच्चा कर देता है, माइक्रोफोन जेड़ा हैगा तुहाडे कोल वो लाउड कर देता है, तो फिर माइक्रोस्कोप की करता है तुहाडे कोल। सो बाहर बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है जी, डॉगियों की आवाज़ आ रही है, बस मैं लास्ट से खत्म करता। सो माइक्रोस्कोप की करता है, माइक्रोस्कोप छोटिया चीज़ों नू वड्डा करता है, सूक्ष्मदर्शी वाला पढ़िया सी ना, तो फिर यदा मतलब हैगा है मैग्नीफाई, MAGNI, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल इतने तक कर लो, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, हालांकि मैं अंदर बह के बना रहा बॉडी वीडियो, बट जो बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है। सो बाकी आप थोड़ा जहा नेक्स्ट करेंगे, ठीक है जी। सो तुसी शेयर जरूर करना है जी, ठीक है जी, सबसक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। सो ये जरूरी है जी थोड़े पास, ठीक है, मैं थोड़े एम तक ले जाऊँगा, ठीक है जी। थैंक यू।